रिलैक्स में ये सन ये जीवन है थोड़ा गुस्सा में बोल रहे हैं। क्या बात है बाबा? कहने का मतलब है ये नाला बनने वाला था। हाँ, मुखिया रिपेयरिंग कर के समझ लिया कैसे आधा गांव का पानी यही गिरा। रिपेयरिंग किया गया है? हाँ, कर हाँ। आप आइए देखिए, हम दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ। गिरा दी है अवनियों के पानी आ रहा है। मुखिया अभी तो करा है, नया बन लग रहा है। नया वही है, नया है, पानी खींच रहा है। बताइए तो जमीन है जो यहाँ पर दिक्कत होगा था इतना तयावा तान तो रात एलन पानी में भोरे भगलन पसली बनने से सब अच्छा होता है। नाली बने से ने नाली के पानी पास होते नहीं है, सब डूबर रहता है, ने डूबर रहता हम दिखे यहाँ दुवार पर डूबर रहता तो दुवार के जेबे ना करें, जे दुल्हा बियाह लागल भाई हम दी जेबे ना करें, जे तो दुल्हा भगी ना जे की गंती में हमरा के गोल लगवा। नमस्कार, इस वक्त मैं हुरका पंचायत के राजी रंभेरा गाँव में आए हुए है और मेरे साथ देख सकते हैं काफी लोग महिला और बच्चे हैं। यहाँ पर एक समस्या है, समस्या ये है कि बरसात के दिन आप सब जानते होंगे बरसात के दिन है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इसी पानी के रास्ते देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, किसी तरह से नाली के छोटा जो रहता है उसी के सहारे आ रहे हैं और यहाँ पर लगभग 10-15-20 घर है जो इसी रास्ते से जाना आना होता है। और एक बात अहम बात है, कुछ बात पहले हम यहाँ के महिलाओं से बात कर लेते हैं उसके बाद हम आपके पास बढ़े। क्या नाम हुआ आपका? कुंती देवी। क्या समस्या है आपका? समस्या बा का छोटे छोटे बच्चा बा स्कूल जाए के बाद ओकर कोरा टांग कर स्कूल नहीं निकलता। अच्छा, मेहनत करना पड़ता है। हाँ, मेहनत करना तो बहुत करना पड़ेगा। सॉरी, क्या नाम हुआ आपका? परमिला देवी। क्या समस्या है? समस्या बा की हमनी के आवे जाए के दिक्कत होता है इतना तयावा तान तो रात एलन पानी में भोरे भगलन पसंद। अच्छा, हित ना तभी ना हित ना तभी हमनी के पानी में हलकावल जाओ, हमनी के सांपा है बीची है घर में घुस जाता रसन पानी उने से रेला ता उने से रेला ता उने से रेला कैसे जाए बरसात के पानी। कितना दिन से ये समस्या है? समस्या भाई जब बहुत दिन से बाकी। हां, ई नाली बनल ता आउ हो गई, नाली बनल ता हो गई। का है नाली तो बनल ता आउ समस्या का समाधान हो कला ता पैसे दोनों दिन का पानी हो जाता, दोनों दिन कैसे पानी आ जाता। अब पहले दोनों दिन क्या रहा? पूरा गांव का पानी वहां नहीं आता है, नहीं आता पहले पानी नहीं आता है, खराब हो गया। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। नाली बनने से सब अच्छा होता है? नाली बनने से नाली के पानी पास होते नहीं है, सब डूबर रहता है, ने डूबर रहता हम दिखे यहां दुवार पर डूबर रहता तो दुवार पर नाली हम फोड़ के पानी निकल लिया आ घर में अंगना रोटी घर पानी जाते रे का जी। यहाँ पर क्या क्या चीज है इसमें डूबा हुआ है? क्या क्या चीज है? देवता है हमने जा बहमत नहीं हम गंदगी। हाँ, गंदगी पानी सब। यहाँ पर पूजा होता है? कब पूजा होता है? सारे भाव पूजा होता है। किस चीज के पूजा होता है? लाठी बाथियों को होकर दशहरे को होकर शादी ब्याह के होकर सबके पूजा होकर रह जाए। हाँ, दूल्हा लोग गोड़े लागे। हाँ, सब दूल्हे लागे। हाँ, ये पानी महल के जाए ना कहीं जाए दूल्हा ब्याह लागल भाई हम दी जेबे ना करिया जाता दूल्हा भगी ना जे की गंती में हमरा के गोल लगवा होता बन जाए ई कोई ना दी। क्या आप बोल रहे हैं? बोलिए क्या कह रहे हैं? हम लोग का दिक्कत है यही, हम लोग का रोड बनवा दीजिए टीना, हम लोग का नाली है। नाली हम लोग तो भैया रोड बनवाने नहीं आए हैं, आपका समस्या को दिखाने आए हैं। हां, समस्या हम लोग का देवता डूबा हुआ है टीना, वहाँ उधर का पानी, इधर का गली का पानी, उधर का गली का पानी। ये तो आप लोग भी चंदा इकट्ठा करके समाधान कर सकते हैं। हम लोग का मुखिया कुछ नहीं बनाया, हम लोग चंदा करके देगा, हम लोग का खाने का ठीक है, हम लोग चंदा करके भरवाएंगे। हम लोग मुखिया किस लिए बनाए? मुखिया दोनों दिन का पानी लाकर इसमें डाल दिया। मुखिया जी ये सब काम किया तब क्या है? हाँ, हो क्या है? पहले नहीं पानी इसमें आ रहा था, नली का पानी उधर से रोड बनवा के लाकर इसमें गिरा दिया। पहले ठीक था? हाँ, पहले उधर पानी नहीं आ रहा था, पहले बड़का बोरिंग का पानी आ रहा था। अच्छा, ये बताइए आपके हिसाब से कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है? आपके हिसाब से अगर आपके अगर मुखिया जी के जगह पर रख जाए तो क्या कीजिएगा आप? हाँ, हम तो पूरा रोड बनवा देते, पूरा नली बंद करा देते, नली पूरा क्लियर करा देते हैं। मुखिया हम लोग थोड़ा भी बात नहीं मानते हैं। क्या है नहीं मानते आप? मुखिया मुखिया हम लोग बनवा देना उसको, मुखिया हम लोग कर दे उसको, वो हम लोग के नहीं कुछ कर रहा है। तो मुखिया जी के जितना हाथ में रहेगा, हाथ में बहुत हाथ में है। क्या हाथ में? बहुत हाथ में है, कुछ नहीं हाथ में है, बहुत हाथ में है।
चलिए ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? रोड और नाली के हमने कहा थी जा, कैसे हम नहीं जाए जाए जाए। अच्छा, ये तो बोले हैं मुखिया जी से बातचीत हुआ है कि ठीक है, मुखिया से दो महीने के बाद कौन में रहा सर जी करा दे मुखिया से तो हमने के ठीक ना बा पानी अभी ना निकला हां हमने नाली ऐसे ना जी के ना हमने के जाए में दिक्कत हो जाए तो मुखिया का ना दिक्कत हो ओके ओके और रिलैक्स मैं ये सन ये बात होता है यहाँ का नली का है, वहाँ बच्चे लोग आते हैं पढ़ने लोग जान रहे हैं, जाने के लिए उन लोग का तबलीक होता है, मानी नाना बन जाता है। अच्छा ठीक है, इसमें बात होता है कि चलिए उन लोग के बात देखना चाहिए। यहाँ पर फूटा हुआ ऐसा निकलता है, यहाँ सब पूजा पाठ होता है यहाँ पर, ऐसा बात नहीं है। दूसरा बात देखिए यहाँ से निकलता है फिर यहाँ से जाना पड़ता है, लग जाता है। देखिए देखा है ना यहाँ पर फूटा हुआ, यहाँ से देखिए इनका क्या नाम है कि जिस साइड से नली आया है उस साइड में खाल है, आज जहाँ पर पानी गिरना है वहाँ पर ऊंच हो गया, हाइट हो गया है, तो जिसके वजह से पानी की समस्या हो रही है। जिस गांव में आए हैं उस गांव के मुखिया प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, और आइए मुखिया प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं, यहाँ पर लोगों के क्या क्या समस्या है आप सुने, और अब सुनाते हैं मुखिया प्रतिनिधि इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। आइए सीधे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार गुप्ता। वीरेंद्र जी, यहाँ पर पानी की समस्याओं को लेकर ग्रामीण जनता बहुत परेशान है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पानी तो आ ही जाता है जहाँ खाल होता है, और इसको निदान के लिए अभी यहाँ पे एक भाव दिया गया है, इसको फिलहाल अभी खाली कराया जाएगा तो निदान हो जाएगा, इसके बाद में इसको भरने में सुविधा होगा, भर करके निदान किया जा सकता है। यहाँ पर लोगों को अभी हमको बातचीत के दौरान बताया कि यहाँ पर नली का निर्माण किया गया है, नली के निर्माण के दौरान ये लग रहा है इसका कि जो लोग बनाए हैं इसमें बनवाए हैं, ये जिस साइड ले पानी आना चाहिए उस साइड खाला है, जिस साइड पानी गिरना चाहिए उस साइड। हाँ ये तो समस्या है जहाँ पानी तो, इसका मतलब जाना है। आपने इसको निदान नहीं किया था क्या? निदान हुआ था, जैसे तो कैसे ऐसे बन गया? जैसे ये नली जो आ रहा है बड़का बोरिंग का, ये सिंचाई विभाग का नली है, इसमें हम लोग योजना नहीं खोल सकते हैं। अच्छा। फिर भी हम अपने से इस नली को यहाँ से वहाँ तक जहाँ पानी गिराना है वहाँ तक बिना योजना के पानी को निकालने के लिए हम इसको मरम्मती करवाए थे, फिर बीच में टूट गया है। ये पैसा किस मत से निकाला गया था या अपने काम हुआ था? वो रोड नली का जो काम हुआ वो 15वीं मत से काम हुआ था, लेकिन इस पर कोई योजना नहीं लागू हुआ था, इसको एनओसी के लिए। आखिर पैसा कहाँ से लगाए थे आप? 15वीं मत से तो बोलबे किया। 15वीं मत से लगाए। यहाँ पर लोगों का नाम है कि, और अभी इसका फिलहाल निदान के लिए हमने सिंचाई विभाग का एक लेटर दिया है लगभग 6 महीना पहले, अभी तक उस पर कोई मतलब निदान नहीं हुआ है, निदान होने के बाद भी निदान हो जाएगा, वहाँ से जब तक एनओसी नहीं मिलेगा हम लोग तो काम कर नहीं सकते हैं बिना सिंचाई विभाग के एनओसी का। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, आप काम देख रहे करते हैं, ये कितने दिनों से इस तरह से समस्या पड़ा हुआ है? समस्या तो इसी वर्ष है। पहले क्या कैसे था? पहले भी ऐसा ही था, पहले भी नल जल इसी गड्ढा में बना हुआ है, ये भी पीडब्ल्यूडी का जो नल जल बना हुआ है, इसे उस पीआरडी से पहले ये भी इसी समस्या से जूझ रहा है। अच्छा ये बताइए कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ देवी देवता के यहाँ पर प्रतिमा या मूर्ति या पर क्या चीज का तो है जी, यहाँ लोग कह रहे थे प्रतिमा है, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं लोग कि पूरा गांव के पूजा पाठ होता है जी, होता और है। यहाँ पर दुल्हा अपना सिर में सरहा बांध कर आते हैं और इसी पर गोल लगने के लिए, कैसे होगा ये बताइए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये बताइए, जब दुल्हा सिर में सरहा बांध कर निकलते हैं बहुत खुशी से, लेकिन यही खुशी न, इसका निदान किया जाएगा, इसको भरवाना पड़ेगा, कब तक ये समाधान हो सकता है? बरसात बाद किया जाएगा इसको। बरसात बाद कितने लगभग में कितने दिन? बरसात बाद अब तो बरसात के मारी मौसम जो है 2 महीना में 1 महीना में खत्म होगा, उसके बाद लगभग 2 महीने के बाद ये निदान हो जाएगा। हाँ 2 महीने के बाद किया जाएगा। देखिए आपके पीछे बहुत सारे जनता है, देखिए कैमरामैन से कहेंगे, इन लोग को बहुत आस लगाया हुआ है कि हमारे मुखिया प्रतिनिधि बने हैं जो ये कार्य को पूरा करेंगे,
वो सारा करेंगे करेंगे कार्य को पूरा करेंगे और तो निदान किए हैं। गांव में जो नली बना हुआ है ऐसे ही समस्या से उधर भी लोग जूझ रहे थे, उसको निदान किए हैं, फिर परापारी सब तो निदान हुए करेगा। चलिए सरकार सरकार के व्यवस्था के अनुसार सारा काम होगा। जितना तो हमारे सरकार जो राज्य के मुखिया है वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जी जी, और विकास पुरुष के नेतृत्व में जो काम ना हुआ तो क्या कहा जा सकता है? मुखिया प्रतिनिधि हैं आप, बताइए। विकास तो होगा ही, सब लोग जानते हैं कि जितना सरकार का मद आता है उसी हिसाब से काम होता है। सरकार भी एकदम ताला कस के रखी है, टाइड एंड टाइड, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, पार्ट चार पार्ट में बांट दिया है सरकार। हम लोग को प्रतिबंध लगा दिया है कि आपको यही काम करना है, पहले जैसा नहीं छोड़ा है कि मतलब आप यहाँ से योजना बनता है, ग्राम पंचायत से योजना बनता है ना, तो सरकार पहले ग्राम पंचायत के हिसाब से काम करता था, लेकिन अब सरकार सरकार अपने हिसाब से काम करवा रही है। नहीं, आपको यही काम करना है, ये काम आपको नहीं करना है, हम जो दे रहे हैं टारगेट उसी को करना है। चलिए, दो महीने के हिसाब से तो हम लोग को करना पड़ेगा। दो महीने के बाद आपने बोले निर्धारण, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दो महीना तक इसी तरह से ग्रामीण इसमें जी वो तो मेरा गांव का समस्या है, इसको सोच कर समाधान किया ना, इसको समाधान किया जाएगा। तो दो महीना तक इसी कष्ट में जीना पड़ेगा ना, इसका भी अभी फिलहाल यहाँ से कुछ यहाँ मोरी जो है इसको खुदवाना पड़ेगा। कब तक ये काम होगा? अभी लोग लगे, अभी काम होगा। अच्छा, अभी हम लोग आए तब? नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो अभी कल से नहीं थे, हम दूसरे जगह थे, अभी तो हम आपके सामने आकर के गाड़ी लगा रहे हैं, देखवे की है। चलिए, क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार गुप्ता, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत हुरका। थैंक यू मेरे साथ।